और ये है फिल्मी दुनिया का अजीम शान शाहकार मुगले आजम। आसिफ अनोखा है, अछूता है, उसके तस्वीर के परवाज को कोई आसमान नहीं बांध सका। ये तड़प, ये आरजू आसिफ की जिंदगी की धड़कन बन गई और वो मुगले आजम का ख्वाब देखने लगा। उसने सबसे अलग हटकर सोचा, उसके दिमाग में मुगलों की शान और शौकत का असली नक्शा खींचने लगा। खाके बनते चले गए, झलकियां उभरती चली गई। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इंसान के जज्बात की तहों तक पहुंचने वाला डायरेक्टर महबूब खान। जिसके बेमिसाल शाहकार मदर इंडिया में फिल्मी दुनिया की सबसे मोहतरम शख्सियत श्रीमती नरगिस दत्त ने अदाकारी की सरहदों को छुआ और त्याग दिया। जिंदगी की दरारों में झांक कर इंसान की तड़पती हुई रूह को जिस्म देने वाला गुरुदत्त, जिसकी हर फिल्म के हर सीन में न सिर्फ बेमिसाल तकनीकी कामयाबी है बल्कि हमारे आपके दिलों की धड़कन है, सोच है। मुझे बड़ी साथ दे अपनी बहू का, उधर आलते से स्वागत करती। बहू ले आ, जी भर के सजाऊंगी उसे। मेरा ब्याह हो चुका है छोटी बहू। कब?
या चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। बदायूनी, उन्होंने ऐसे नगमे दिए जो दो पीढ़ियों के दिलों में रचे बसे हैं और रहेंगे। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। सीधे साधे आम फहम लफ्जों में शैलेंद्र ने जिस गहराई से आवाम के गम, उनके अरमान, उनकी खुशियां और उनके सपने पेश किए, वो बेजोड़ हैं, एक अमिट यादगार है। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों पे हम है अनाड़ी। ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी।